अरे भाई अनाज आवे भाई, नया टॉपिक लेके आए हैं भाई। जो ये पंजाब में नहीं कुल्हड़ पिज्जा वाले हैं, ये वायरल हो रहे भाई, तो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। तो इसके बारे में बताओ अपने भाई, के कुछ है, के कहानी है, के बात से या सारी स्टोरी बताओ भाई। ऊपर की बात पंजाबी कपल है के कुल्हड़ पिज्जा वाले वायरल हो रही भाई, लोग तरह तरह कमेंट और रिएक्ट आओ भाई, को कि मैं कहो को कि मैं कहो है। तो अपने भाई पूरी स्टोरी बतावांगे। लोग तो ऐसे बोल रहे कि उस वीडियो का लिंक दे दो, कई ठक्की लोग भी उस वीडियो में देखना, तब तो भाई ऐसे बोल रहे हैं कि इस वीडियो का लिंक भेज दो भाई। और कई लोग का कहना है भाई इस वीडियो ने शेयर ना करो, फैलाओ मत भाई, किसी की इज्जत ना नू ना उठाओ भाई। तो यह बात कहने लग रहे कई भाई। कई लोग ऐसे पूछना चाह रहे कि ये पूरा मामला क्या है, तो आपने भाई पूरा मामला बताऊंगी के है ये पूरा मामला भाई। कई लोग ऐसे बोल रहे कि ये कुल्हड़ पिज्जा कपल कौन है, आज हम जाने भाई इनकी रियल कहानी क्या है, क्या इन्होंने वाक्य में इनकी वीडियो लीक हुई है, के है पंजाब के जलंधर के रहने वाले ये कपल है। एक का नाम भाई सहज अरोड़ा और एक का नाम है गुरप्रीत कौर भाई। ये दोनों भाई अलग तरीका से पिज्जा बना के फेमस हुए थे, हिट हुए थे सोशल मीडिया पर। इसी बीच इनका एक वीडियो वायरल होया भाई, उसमें एक एफ आई आर भी दर्ज है, तो वह रियल है या नहीं इसके बारे में पुलिस जांच करने लग रही भाई। भाई कई शरारती तत्व तो इसका बार बार लिंक मांगने लग रहे हैं, तो इस वीडियो ने शेयर ना करो भाई। आप सोच को तड़का अपनी माँ बहन गल जाए, तो भाई इसी गलत चीज़ें ना फैलाओ भाई, अपना इसी गलत वीडियो ने शेयर ना करो भाई। जो ऐसा कर रहे हैं, जो वीडियो ने शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी डांटियो, उन्हें भी रोको भाई। इन कपलों का कहना भाई ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर ये भाई मना कर रहे कि ये हमारी वीडियो नहीं है, कह रहे हैं भाई ये वीडियो फेक है, ये आई से जनरेटेड है। तो भाई बाप इस बात ने छोड़ सका झूठ है ना, तो अपन इस बात का पूरा बेरा। इन्हों का कहना है कि यह वीडियो इनकी है कौन, या फेक वीडियो है। एक फूड ब्लॉगर है, इन्होंने अब पॉपुलर हो गए थे, बहुत अच्छा नाम कमा लिया था, लेकिन भाई एक इनका ऐसा वीडियो है गया, तो इनका ये चर्चा विषय बन चुका है भाई। इनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, ये घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं इस वीडियो के कारण है। इन्हें घर में एक बच्चा जन्म होया है, तो बच्चा जन्म होने पर तो खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस वीडियो के कारण ऐसा लग रहा है कि घर में कोई डेथ हुई है, इसलिए ये बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो आप शेयर मत करें इस वीडियो को भाई, काफ़ी परेशान है, रो रहे हैं और काफ़ी चर्चा विषय बन चुका है ये, इसलिए वह आप शेयर मत करें इस वीडियो को। इन कपलों से सुनने दो बातें सुनने में आई है, एक तो ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो ओरिजिनल है, मतलब कि एडिट की हुई है, और एक साथ में दूसरी बात यही बोल रहे कि ये वीडियो औरों को फॉरवर्ड मत करिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये वीडियो मत फैलाओ। तो आप बताए भाई इन्हें पर ही छोड़ देते हैं, ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है। दो लोगों पर आरोप लगाए हैं, एक तो है कोई महिला और एक कोई यूट्यूबर है, उन पर इन्होंने आरोप लगाया कि तरण दत्ता यूटा उस पर आरोप लगाए भाई। भाई इनको काफ़ी लोग ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, इन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भी दिखाए हुए हैं कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई। इन्होंने कहा कि हमें तो न्यूज़ से पता चला कि यूट्यूबर का ये ज़्यादा नाम ले रहे हैं, यूट्यूबर पर मतलब अपने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं भाई उसने ही ऐसा कुछ किया है भाई। आप हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ने ज़्यादा ना फैलाओ भाई, अपना भी गल भी उसका तरह कई हादसा, तो भाई इसी वीडियो मत फैलाएं भाई, यह अपील है भाई आप सभी तक। ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनकी ये वीडियो नहीं है, तो भाई आप तो यह अपील है इस वीडियो ना फैलाओ भाई, किसी की इज्जत के साथ खिलावड़ मत करें भाई। तो आप तो रिक्वेस्ट है भाई वीडियो ना फैलाओ भाई।